नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे D10 चार्ट के बारे में। D10 चार्ट किस लिए काम आता है आपको बता देता हूँ। आपको अगर कोई जॉब देखना हो, आपका कार्य क्षेत्र देखना हो, कर्म भाव देखना हो कि किस में आपको तरक्की मिलेगी, इसलिए D10 चार्ट को देखा जाता है। बिजनेस कौन सा करना चाहिए वो D10 चार्ट से देखा जाता है। क्या काम आपको करना चाहिए, कौन सा जॉब में आपको जाना है, उसके लिए D10 चार्ट को देखा जाता है। आज हम बात करेंगे D10 चार्ट के बारे में। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम लाइव आते हैं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो D10 चार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने को लगन देखना है। D10 चार्ट तक नहीं जाना है, सबसे पहले लगन में देखना है कि अपने लगन में शर्तें पूरी हो रही है या नहीं। लगन आपका देखिए, आपके सामने एक कुंभ लगन बना हुआ है। कुंभ लगन में एक शनि सस योग बना रहा है, आपके सामने विराजमान है, सस योग बना रहा है शनि। अब कुंभ लगन में लगन के अंदर आपको सीधा 10th हाउस देखना है। 10th हाउस इसका बनता है वृश्चिक राशि का। अब वृश्चिक राशि का लॉर्ड बनता है मंगल। मंगल को आपको देखना है कहाँ पे है। मंगल आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है गुरु के साथ, मतलब अब गुरु का बल भी देखना पड़ेगा आपको। लगन में आपका 10th हाउस देखना है कर्म भाव को। अगर आपको कौन सा काम करना है तो सबसे पहले D10 चार्ट में लगन में D10 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस का लॉर्ड बनता है मंगल। अब मंगल गुरु के साथ विराजमान है अष्टम भाव में, तो आपको एक शर्त ये पूरा हो गया भाई, अष्टम से रिलेटेड काम करने से मंगल अपने को फायदा करेगा। क्योंकि मंगल 10th हाउस से ये हो गया 11th, मतलब अपने से 11th हो गया, मतलब अष्टम भाव का काम करने से अपने को कौन सा काम करना चाहिए, गुरु साथ में, तो गुरु से भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु मंगल को सपोर्ट कर रहा है, मंगल गुरु को सपोर्ट कर रहा है, तो ये दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, अब देखो गुरु को पहले कारकांश कुंडली में देख लेते हैं, क्योंकि इस लगन कुंडली में सबसे ज़्यादा बल गुरु को मिला है। गुरु को 20 डिग्री बल मिला है, शनि को 2 डिग्री 3 डिग्री जिसको भी मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा बल जो मिला है वो मिला है गुरु को। गुरु को 20 डिग्री बल मिला है। अब कारकांश कुंडली जो बनेगी इस लगन की, कारकांश कुंडली, कारकांश मतलब कर्म भाव की कुंडली। D10 चार्ट भी आपका कर्म भाव का कुंडली है, लेकिन कारकांश कुंडली होता है आपका कारक भाव का, कि भाई आपके इस लगन में कारकांश कौन सा कर्म भाव का, कौन सा कारक ग्रह है जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। इसका कारक ग्रह बन गया गुरु, और गुरु को देखना है कारकांश कुंडली में कहाँ बैठा है। गुरु बैठा है इस, ये जो नवमांस में गुरु उचका होकर यहाँ बैठा था, वो आपका इससे कुंडली बन गया 4 नंबर से। गुरु बैठा है 3rd हाउस में मंगल के साथ, और देख रहा है अपने ही घर को, भाग्य भाव को। मतलब ये समझ जाइए गुरु आपको सपोर्ट करेगा। गुरु से क्या काम होते हैं, कंसल्टेंसी के होते हैं, बातचीत के होते हैं, टीचर के होते हैं, बीएड के होते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड काम होते हैं, सोशल नेटवर्किंग से काम होते हैं, और आपका विदेशों से भी काम गुरु करवाता है। लेकिन अब देखो ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस क्या होता है, कंसल्टेंसी का, टीचरिंग का। आप टीचर बन सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो। गुरु देख रहे हैं अपने सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को, मतलब अगर ये बंदा कंसल्टेंसी करता है, ज्योतिषी करता है, तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब अपने आते हैं D10 चार्ट के बारे में। D10 चार्ट को देखना है। D10 आपका बनता है तुला राशि का। सबसे पहले तो देखना है आपको मंगल, इस लोड इस लगन का 10th हाउस का मालिक मंगल है, वो कहाँ पर बैठा है। मंगल अष्टम भाव का मालिक लगन में बैठ गया। अष्टम भाव का मालिक मंगल लगन में बैठ गया। यहाँ पर मंगल सबसे ज़्यादा उच्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर घर होता है। तुला राशि में 1 नंबर में मंगल बैठ गया, मतलब अब ये ऊर्जा देगा। मंगल का साथी गुरु कहाँ है, गुरु बैठ गया है यहाँ पे। गुरु बैठ गया 2nd हाउस में, जो आपको दृष्टि दे रहा है अष्टम भाव को, अष्टम भाव को दे रहा है। मतलब नॉर्मल सी बात है, ज्योतिषी का काम करना चाहिए, कंसल्टेंसी का काम करना चाहिए। अब देखो राहु 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, राहु। हालांकि राहु का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी छाया ग्रह है तो जरूर देखना चाहिए। राहु भी बैठ गया 2nd हाउस में, मतलब अब ये 2nd हाउस से 10th हाउस को देख 8th हाउस को देखेगा, मतलब इसमें भी ये फायदा दिलाएगा, धन दिलाएगा। अब ये देखिए 4 ग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं D10 के अंदर। 4 ग्रह सबसे ज़्यादा, सूर्य आपको क्या दिलाता है, यश दिलाता है, कीर्ति दिलाता है, फेमस करवाता है, मान प्रतिष्ठा जो दिलवाएगा यस ये सूर्य दिलाएगा। मंगल क्या देता है, मंगल आपको ऊर्जा दिलाता है। कोई भी कुंडली बने, कोई भी D10 चार्ट बने, ये 4 चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी D10 चार्ट के अंदर। क्योंकि देखिए सूर्य यस मान प्रतिष्ठा प्रमोशन जो करवाता है वो सूर्य करवाता है,
गुरु भी करवाता है लेकिन सूर्य ज्यादा करवाता है। यश कौन दिलाता है? सूर्य दिलाता है। आपके काम में नेम फेम कौन दिलाने वाला है? सूर्य दिलाने वाला है। अब मंगल, मंगल क्या देता है? आपको ऊर्जा देता है, एक्टिव करवाता है, हर काम में आपको तेजी देता है, रिस्क लेने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो ये मंगल काम करवाता है आपका। गुरु क्या करवाता है? गुरु आपका धन का कारक है। काम करोगे धन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, क्या हासिल हुआ आपको? इसलिए गुरु को भी देखा जाता है। शनि क्या करवाता है? नौकरी। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, अगर आपको शनि आपका नीच का हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब कहाँ से मिलेगी? इसलिए शनि को भी देखा जाता है। ये चार ग्रह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन D10 चार्ट में देखा जाता है। अब देखिए सूर्य इनका कहाँ बैठा हुआ है? सेकेंड हाउस में। मंगल लगन में, गुरु सेकंड हाउस में और शनि पंचम भाव में। पंचम और अष्टम का जब भी संबंध बनता है, पंचम और अष्टम का जब भी संबंध बनता है, ऐसे लोग बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। क्योंकि देखो गुरु भी यहाँ देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है। सूर्य फेम दिलाएगा, बुध क्या पैसा दिलाएगा, गुरु पैसा दिलाएगा, राहु क्या करवाएगा, विदेशों से संबंध बनाएगा। अब देखो D10 चार्ट में अपने एक चीज छोड़ दी, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो होती है D10 का 10th हाउस देखना होता है। D10 का 10th हाउस, लगन का 10th हाउस का मालिक और D10 का 10th हाउस का मालिक। D10 का 10th हाउस का मालिक बनता है चंद्रमा, जो अपने से तीसरा हो गया, अपने से थर्ड हो गया। थर्ड हाउस क्या होता है? कम्युनिटी का, कंसल्टेंसी का। तो ये अपने से विदेश भाव में चला गया, मतलब अगर ये कंसल्टेंसी करता है तो इनको विदेशों से भी फायदा होगा। ओवरऑल देखो चारों चीज आप इस कुंडली में भी देख सकते हो, कंसल्टेंसी निकलता है, कारकांश कुंडली में भी कंसल्टेंसी निकलता है और आपके D10 चार्ट के अंदर भी कंसल्टेंसी निकलता है। क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव भी मजबूत, सेकंड भाव भी मजबूत, फर्स्ट घर भी मजबूत और आपका ये पंचम भाव भी मजबूत। पंचम और अष्टम घर जब भी तालमेल बनाए तो वो लोग ज्योतिष बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि इस कुंडली के अंदर अगर यह बंदा कंसल्टेंसी करता है तो इसको बहुत ज्यादा फायदा इन फ्यूचर मिलने वाला है। जब भी गुरु का अंतर प्रत्यंतर आएगा, गुरु का महादशा आएगा, शनि का महादशा आएगा, राहु का महादशा आएगा, बुध का महादशा आएगा, इसको फायदा ही फायदा मिलेगा। ये होता है D10 चार्ट देखने का तरीका। बहुत लोग लगन नहीं देखते हैं, सीधा D10 चार्ट के अंदर 10th हाउस को देख लेते हैं और काम कर लेते हैं। लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्रॉमिस आपके जो पूरे होंगे वो लगन से होंगे, उसके बाद D10 चार्ट पे जाना चाहिए। लेकिन D10 चार्ट से पहले आपको कारकांश कुंडली भी देखनी चाहिए। मैं कारकांश कुंडली फिर से आपको बताऊंगा कैसे बनती है कारकांश कुंडली, उसके बारे में अगला वीडियो आएगा, देखना ना भूले अगला वीडियो। जो कारकांश कुंडली आपके लाइफ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कारकांश कुंडली भी, क्योंकि कारक है आपके कर्मों का, कारक कुंडली बताता है कि कौन सा काम करने से आपको फायदा मिलेगा, ये चीज आपकी ये कुंडली बताती है। धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो के लिए इंतजार करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।